नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi फ़ोन में स्टॉक रोम फ्लैश कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे अनब्रेक कर सकते हैं अगर वो MI लोगो पे अटक गया है तो। ये जो प्रोसीजर है दूसरे Xiaomi डिवाइसेस पे भी एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको अपना फ़ोन पावर ऑफ़ करना है और वो MI लोगो पे अटका हुआ है तो आप सबसे पहले पावर की और वॉल्यूम अप की को प्रेस करिए, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखिए, और जैसे ही आपका फ़ोन वाइब्रेट करे आप इन कीज़ को लीव कर दो। एंड जब आपके फ़ोन में स्क्रीन खुलेगी तो आपको बॉटम राइट के बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि आप लैंग्वेज को इंग्लिश कर पाएंगे। एंड फिर आप पावर ऑफ़ पे क्लिक कर दीजिए एंड आपका डिवाइस जो है वो पावर ऑफ़ हो जाएगा। अब हम अनब्रेकिंग या स्टॉक रूम फ्लैशिंग की बात करेंगे। सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया मैंने ये लिंक। एंड फिर आपको MIUI रोम फ्लैशिंग टूल को डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके अपने फ़ोन की रोम सेलेक्ट करनी है। मेरा फ़ोन Redmi 4 है, बट प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए सिर्फ चाइना वर्जन ऑफ रोम अवेलेबल है, तो इसलिए मैं Redmi 4X का ग्लोबल वर्जन डाउनलोड करूँगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बिल्कुल सही चलेगा आपके Redmi 4 इंडियन वर्जन में, तो आप भी इसे ही डाउनलोड करें। मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ये रही दोस्तों डाउनलोडेड फाइल्स। जो रोम फाइल है उस पर आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। फिर ये जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है इस पर आपको .rar एक्सटेंशन ऐड करना है। और हाँ दोस्तों, व्यू टैब में जाके श्योर कर लेना कि फाइल नेम एक्सटेंशंस अनेबल हो। फिर आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। आप इस फाइल को ओपन विद WinRAR करके भी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वैसे। ये है एक्सट्रैक्टेड फोल्डर एंड इसके अंदर ये सारी फाइल्स होंगी। फिर आप MI फ्लैश टूल को इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, देन ग्रांटेड द एडमिनिस्ट्रेटर राइट। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको Xiaomi MI फ्लैश को ओपन करना है जहां आपने उसे इंस्टॉल करा था। Xiaomi MI फ्लैश पे आपको राइट क्लिक करके उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है एंड आपको अब अपनी रोम सेलेक्ट करनी होगी। ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर इमेजेस का भी फोल्डर है। उसके बाद नीचे आपको क्लीन एंड लॉक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट हुआ मिलेगा, आपको क्लीन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, वरना जो आपका बूट लोडर है वो भी लॉक्ड हो जाएगा। आप सेव यूज़र एंड डेटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वैसे। उसके बाद आपको अपने फ़ोन पे जाना है, और चाहे आपका फ़ोन ऑफ हो या फिर MI लोगो पे हो, आपको पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन को होल्ड करके रखना है कुछ टाइम तक। और जैसे ही आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में आ जाएगा आप उसे PC से कनेक्ट कर लीजिए। फिर आपको रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आपका फ़ोन लोडेड आ जाए आपको फ्लैश पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके में भी इसकी तरह कोई एरर आता है तो आपको एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को कॉपी करना है एंड डायरेक्टली सी ड्राइव में पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सी ड्राइव में जो फोल्डर आपने पेस्ट करा है आपको उसे सेलेक्ट करना है एंड अब आप फ्लैश पे क्लिक कर सकते हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लैशिंग प्रोसीजर में ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लगेंगे दोस्तों, एंड फ्लैश डन होने के बाद आपका फ़ोन अपने आप ही रीबूट हो जाएगा। फ़ोन को फुल बूट होने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगेंगे दोस्तों, तो इसलिए रिलैक्स करिए एंड पैनिक बिल्कुल मत करना। अब आप अपने फ़ोन को डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वैसे। तो यहाँ मेरा फ़ोन रीबूट हो गया है एंड मैं एक बार अबाउट डिवाइस में जाके आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा डिवाइस है वो Redmi 4 ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है एंड मैं Redmi 4 की काफ़ी वीडियोज़ लाता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड थैंक्स वंस अगेन।